आऊंगी मुलेठी के बारे में। मुलेठी जो है बच्चे के लिए जब कभी खांसी होती है और कभी खराश हो जाती है तो इस मुलेठी को भी हम गर्म पानी में ऐसे घिसेंगे, तो इसको अच्छे से घिस लेंगे इसको, और उसके बाद हम इसको घिस करके चम्मच में निकाल के और इसको हम गर्म पानी के साथ बच्चे को दे देंगे। इससे जो होता है उसकी खांसी जो है बिल्कुल बहुत आराम बच्चे को हो जाता है। ये सब घरेलू उपाय हैं। मुलेठी को देने से कफ की प्रॉब्लम भी बच्चों में बहुत हद तक सही हो जाती है। अब मैं बता रही हूँ जो कि आप सब लोग जानते हो हींग के बारे में। हींग जो है बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जब बच्चों को कभी पेट टाइट हो जाता है या उसको पॉटी नहीं होती है या बच्चा कभी पेट दर्द से रोता है तो हम चुटकी भर हींग लेंगे इतना सा और इसको गर्म पानी में डाल देंगे। एक चम्मच गर्म पानी में इसको हम डाल देंगे और उसके बाद उस गर्म पानी का लेप जो है उस बच्चे के नाभि के चारों ओर लगा देंगे और उसको ऐसे ही उसको बच्चे को लपेट देंगे कपड़े से अच्छे से, और थोड़ी बार देखेंगे हम कि उसके बच्चे को जो है गैस जैसी पास हो जाएगी और बच्चा जो है पॉटी भी आराम से कर लेगा। इसमें पेट दर्द, पॉटी ना होना इन चीज़ों के लिए ये हींग बहुत ही उपयोगी है। इसी बीच में आपको मैं इसी के साथ साथ ही अनार के बारे में बताना चाहती हूँ कि अनार तो आप सब लोग जानते ही हो। तो जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो अनार के एक चम्मच दाने लेकर के उसको आप उसका रस निकाल लीजिए। एक चम्मच अनार का रस निकाल लीजिए आप और उसमें थोड़ी से 4-5 पत्ती तुलसी का रस मिला दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए, तो इससे बच्चे के दांत बहुत आसानी से निकल जाते हैं।